ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक आप सभी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो आप लोग इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर सकते हो। बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए, आज की इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को जो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को। देन उसके बाद आप सभी को गाइस अपने यहाँ पे जो अपना मॉडल का ऐड करना है, बाकी जो हैंड वगैरह जो फेस वगैरह वहाँ से आपको बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कॉन्सेप्ट देख के, तो वैसे भी आप लोग। बाकी आपको एडजस्ट में जाकर जो आप सभी सैचुरेशन जो है इसका मतलब कि जो सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को अपने इसको लेकर चले जाना है ऐसे इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे एफएक्स में जाना है। एफएक्स में जाने के बाद आपको एचडीआर मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको थोड़ा सा जो शार्प है जो इसको कम कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आपको यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट बनाना है। एंड आप उसको सेम साइज में रख देना है। एंड उसको चले जाना इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद आपको कलर्स में जाना है। कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट देना है, इसका अमाउंट जीरो करके डन करना है। देन इरेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट करना, ब्रश का साइज इंक्रीज करना, ओपोसिटी हार्डनेस कम कर लेना है। एंड जो यहाँ पे साइड साइड में आपको इस तरीके से शेडो क्रिएट करनी है। ठीक है, नीचे नीचे की साइड में इस तरीके से साइड साइड वाला एरिया वहाँ वहाँ पर आपको शेडो क्रिएट करनी है। ठीक है, इस तरीके से। एंड बाकी का आराम से करना, बिल्कुल टाइम देके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी एडिटिंग जो है ना, थोड़ा सा मतलब कि इसमें मेहनत का काम है, तो थोड़ा सा यहाँ पे करना आप, ठीक है, आराम से। एंड बाकी इसमें जो हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट और कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ परफेक्ट है इतना। ठीक है, अभी हम इसको फिलहाल डन कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको जाना ऐड फोटो में, यहाँ से गाइस इसके लिए जो है एक आई का पीएनजी, ठीक है, जो कि ये आपको जरूर यूज़ करना है। ठीक है, आपको सिंपली अपनी आई के पास इस तरीके से ऐड कर देना है इसको, और इसको इरेजर टूल में जाकर से फटाफट से इरेज कर लेना है। दूसरी वाली आई के लिए डुप्लीकेट करके गाइस यहीं से लगा लेना। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी हम यहाँ पे डन करते हैं। अब गाइस यहाँ से दोबारा ऐड फोटो में जाएंगे, यहाँ पे जो ये हेयर का पीएनजी जो मैंने बनाया गाइस, ठीक है, तो आप लोग इसको जो यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, अपने सिंपली आप कहीं भी ऐड, कोई भी मॉडल ऐड कर सकता है इसको। ठीक है, कोई ये पर्टिकुलर एक मॉडल के लिए नहीं है, तो इसलिए मैंने पीएनजी बनाया है। ठीक है, तो बाकी आप लोग इसको ऐड कर लेना। बाकी इसके बाद आपको डन कर देना फोटो को। देन उसके बाद आपको जो है इसमें थोड़ी सी शेडो वगैरह बनानी पड़ेगी, बट पहले हम डोजन बन करेंगे। तो ऐसे रेजर टूल में जाएंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे। एंड यहाँ से गाइस जहाँ जहाँ पे हमें डोजन बन की जरूरत है वहाँ वहाँ पे करेंगे हम। ठीक है, जैसे गाइस फेस पे कर लेते हैं थोड़ा सा। एंड गाइस डोजन बन के ऊपर ना मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, अगर आपको उसमें डिटेल में समझ रहा है ना गाइस, तो आप लोग वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। एंड गाइस, क्योंकि वीडियो मैंने उसके लिए इसलिए बनाई है, क्योंकि क्या होता है ना कि डोजन बन जो है हमारा हर जगह मतलब फेस का अलग होता है। ठीक है, फेस पर भी दो तीन तरीके से डोजन बन होता है, हैंड के ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। इसमें मैंने डिटेल में समझा रखी है कि आपको किस पोज में आपको कैसा डोजन बन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो बाकी अभी यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो इसका हैंड के ऊपर भी यहाँ पर डोजन बन हमने कर लिया है। अब गाइज हमारी बारी आती है यहाँ पे थोड़ा सा शेडो वेडो की। ठीक है, तो अभी हम इसको फिलहाल डन करते हैं यहाँ से, बट कुछ पार्ट रह गया इसको मैं पहले यहाँ पर ना इरेज कर लेता हूँ। जो साइड में आपको दिख रहा होगा, साइड में जो है पेंट हो चुका है, तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे परफेक्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम ऐसे ऐड फोटो में जाएंगे, ऐसे ब्लैक बैकग्राउंड एक ऐड करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हम यहाँ शेडो बनाएंगे कुछ इस टाइप से, इसका फुल स्क्रीन करके इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश का साइज अपने हिसाब से रखेंगे। बाकी गाइज यहाँ पे हम इस तरीके से शेडो क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और अभी गाइस आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसी शेडो बन रही, तो ऊपर ऊपर की तरफ आ रही, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पहले ओपोसिटी कम कर रही। देखो, इस तरीके से ही ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग भी इसी तरीके से शेडो बनाना। अदरवाइज आपको अगर कोई और मेथड पता है शेडो बनाने का, तो वैसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, बट यहाँ पर शेडो होनी बहुत ज़रूरी है, बस ये हमारे लिए मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया इतना। अब गाइस क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब जो हमारे यहाँ पर सभी काम तो हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पर हम इसकी ओपोसिटी अपने इस हिसाब से रखेंगे। बाकी हमारी तो फोटो यहाँ पे गाइस कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चलिए गाइस, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।